మహాత్మా ఫులే కృషి విద్యాపీఠ్ రాహురి అంతర్గతంగా విభాగీయ కృషి సంశోధన కేంద్రం ఇక్కడ డిసెంబర్ 4వ తేదీ నుండి భారతీయ కృషి అనుసంధాన పరిషత్ యొక్క ఏర్పాటు చేశారు. केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था हैदराबाद आणि अखिल भारतीय समन्वय कृषी हवामान संशोधन प्रकल्प सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 4 ते 6 डिसेंबर दरम्यान हवामान शास्त्राच्या संशोधकांची कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं असून 4 डिसेंबर रोजी केगाव येथील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र सभागृहात सकाळी 10 वाजता या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार असून त्यानंतरचे तांत्रिक सत्र विभागीय कृषी संशोधन केंद्र सोलापूर येथे होणार असल्याची माहिती डॉ पी विजयकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उसका कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसका सॉइल्स कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसका कौन सा क्रॉप आएगा उस क्लाइमेट में, उस सॉइल्स में कौन सा प्रकार क्रॉप्स आएगा, अच्छा आएगा, और कौन सा प्रकार फार्मिंग सिस्टम कर सकते हैं, ये सब हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं. उसके लिए एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं. उसमें हम क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट ट्रेंड्स वो भी वर्कआउट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी रेन पानी या टेम्परेचर का प्रोबेबिलिटी क्या है वो सब ये करते हैं. और इसमें हम और एक काम कर रहे हैं, उसमें एग्रो क्लाइमेटिक एटलास बोल के हम तैयार कर रहे हैं. एग्रो क्लाइमेटिक एटलास मतलब वो आपका स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रकार क्लाइमेट है, आपका फसल का आपका सीजन का लेंथ कितना है. यावेळी पत्रकार परिषदेस विजय अमृत सागर हनुमंतराव गाडगे देवेंद्र इंडी आदी उपस्थित होते.